हाय एवरीवन, मैं शिवांगी आज आपके सामने बात करने वाली हूँ सर्दी और सेहत के बारे में। सर्दियों में लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और बीमार होने के साथ साथ उन्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। सर्दियों के स्टार्टिंग में ही मौसम चेंज होने की वजह से लोग जुकाम और वायरल से ग्रसित हो जाते हैं और डॉक्टर के चक्कर उनको लगाने पड़ते हैं, चाहे या ना चाहे। तो उससे चलिए बचने के उपाय हम देखते हैं। हम अपने सुबह की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। चाय की मिठास के साथ जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो जो चाय होती है हमारी, वो कई तरीके से हमारे सेहत से रिलेटेड होती है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। चाय अनेक फायदों के साथ साथ बाजार में कई रूपों में अवेलेबल है, उपलब्ध है और लोग उसे अलग अलग तरीके से बनाकर पीना पसंद करते हैं। उसी तरीके से जब हम चाय को घर में ले आते हैं और उसको बनाते हैं तो लोग अलग अलग तरीके से उसको बनाना पसंद करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको पीना भी पसंद करते हैं। तरह तरह के जो चाय बनाते हैं हम, उसमें से एक खास चाय होती है लौंग की चाय, जिसमें हम लौंग की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देते हैं और जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो चलिए हम बात करते हैं लौंग की चाय के बारे में कि वो सर्दियों में हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। लौंग का इस्तेमाल आयुर्वेद में काफ़ी समय से किया जा रहा है और इसे ये शरीर में एक एंटीबायोटिक की तरीके से काम करता है। डॉक्टर ऋचा कहती हैं कि ये एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये एंटीबायोटिक की तरीके से ही बॉडी में काम करता है। तो चलिए हम इसके जो फायदे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्दी में सर्दी से बचे रहने के लिए लौंग काफ़ी फायदेमंद है। अगर हम लौंग की चाय दिन में 2 से 3 बार पीते हैं सर्दियों में, तो हम सर्दी से बचे रह सकते हैं, क्योंकि लौंग की तासीर काफ़ी गर्म होती है, गर्म प्रकृति की है, तो इससे हमें सर्दी कम लगती है और हम ठंड से बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम खांसी और जुकाम से भी बचे रहते हैं। आपको पता होगा कि लौंग, जब खांसी आती है तो लोग कहते हैं कि आप अपने मुंह में एक लौंग रख लीजिए, आपको फायदा होगा। तो उसी तरीके से अगर आप लौंग का सेवन चाय में करते हैं तो वो एंटीबायोटिक के तरीके से आपकी बॉडी में रहेगा और जिससे आपको खांसी या जुकाम नहीं होगा। तो ये खांसी जुकाम में भी फायदेमंद है, साथ ही साथ आपको ठंडी से भी बचाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्दियों में अक्सर लोग बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे अगर आपको बचना है तो आपको लौंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर लौंग की चाय आप पीते हैं दिन में 2 से 3 बार तो आप सर्दी में बुखार से भी बचे रह सकते हैं और आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे बुखार आपके बॉडी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है और आप हेल्दी हो जाते हैं, बुखार आपका पीछा छोड़ के भाग जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फायदे की, ये और क्या फायदा पहुंचाता है लौंग हमारे शरीर को। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है, आप बहुत थकान फील करते हैं, तो आपको लौंग की चाय पीनी चाहिए। आप अगर लौंग की चाय पीते हैं तो आपके दर्द में भी फायदा होता है और अगर चाहें जहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे आपको जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो लौंग की बनी हुई चाय से आप अपने उस एरिए की सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको दर्द में भी फायदा होगा और आप बेहतर फील करेंगे। साथ ही साथ लौंग आपके पाचन तंत्र को भी सही रखता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लौंग की चाय पी सकते हैं, जिससे एसिडिटी में आपकी जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति से कार्य करने लगती है। लौंग की चाय का सेवन करने के बाद ये क्रिया तेज हो जाती है और आपको जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है उससे आपको जल्द ही निजात मिल जाता है। तो लौंग की चाय इसमें भी आपको फायदेमंद साबित हो सकती है, आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और इसमें इस सबसे मेन बात कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, सो आप बिना किसी बात की टेंशन लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट फायदे की। दांतों के दर्द के लिए अक्सर हम लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं। लौंग का तेल हम दांतों में लगाते हैं ताकि हमारा दर्द कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास लौंग का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप घबराइए नहीं, आप लौंग की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके दांतों के दर्द में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, साथ ही साथ आपको दर्द से निजात मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। अगर आपको खराश हो रहा है या गले में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लौंग की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे गर्म गर्म पीजिए, आपके गले का खराश ठीक हो जाएगा और आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये थी खराश की बात। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप लौंग की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग की चाय साइनस के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थे लौंग की चाय के फायदे। चलिए मैं आपको ये तो बता दूं कि लौंग की चाय आपको बनानी कैसे है, जो आपको इतने फायदे देगी वो बनेगी कैसे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 4 से 5 लौंग पहले अच्छे से क्रश कर लेना है और जब आपका लौंग तैयार हो जाएगा क्रश होके तो आप 1 कप पानी उबालने के लिए रख दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो आपको उसमें लौंग डाल देना है, लौंग का जो पाउडर आपने तैयार किया है उसको डालना है और 5 से 10 मिनट तक उबालना है। जब आपका पाउडर अच्छे से उबल जाएगा, उसमें पक जाएगा, तो आपको उसमें चाय आधा चम्मच चाय पत्ती डालना है और थोड़ी सी अपने टेस्ट अनुसार जितना भी आपको चाहिए उसमें शुगर डालना है और 5 मिनट पकाना है। और 5 मिनट जब पक जाएगा आपका चाय पत्ती के साथ तो आपको उसको उतार लेना है और छान के रख लेना है। अगर आपको खांसी वगैरह है तो आप उसे, जितनी सर्दी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे गर्म गर्म पीजिए। और अगर आपको दांतों का प्रॉब्लम है या एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे ठंडा करके भी पी सकते हैं। और हाँ, इसे आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और बाद में गर्म करके भी पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ये वीडियो आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। अच्छी चीज़ें लोगों को पता रहेगा और आप किसी की मदद कर पाएंगे तो वो आपको शुक्रिया भी बोलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।